पुष्पा भी हो जाएगी पीछे, आरआर और सलार किसी का भी जोर नहीं चलेगा। किंग खान का ऐसा सुनामी आने वाला है जिसे देखकर सीट से उठकर ताली बजाएंगी। टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर तरफ तहलका मच गया। शाहरुख खान के डंकी सबको बना दी फंकी। पहले पठान फिर जवान ने लोगों को दीवाना बनाया, बॉक्स ऑफिस तक पहुंचाने के लिए मजबूर किया। अब डंकी लाएगी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, बन जाएगी बड़ी फिल्म। किंग खान की दीवानगी का विदेशों में भी बोलबाला। अगर आप भी शाहरुख खान के दीवाने हैं तो इस वीडियो को शेयर कर कमेंट में डंकी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शाहरुख खान साल 2023 में बॉक्स ऑफिस के किंग रहे। 4 साल के बाद लौटकर उन्होंने जवान और पठान के साथ जो अपने मजबूत कदम बॉक्स ऑफिस पर जमाए उसे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं हिला पा रही हैं। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद बॉलीवुड के बादशाह खान डंकी के साथ साल 2023 में एक बार फिर से अपने दर्शकों के बीच लौट रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार वो पीके और थ्री इडियट जैसे फिल्मों के निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ साझेदारी कर रहे हैं। शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की साझेदारी डंकी में क्या कमाल दिखाएगी ये तो बस 2 दिन बाद ही पता लग जाएगा। फिलहाल एडवांस बुकिंग में डंकी ने रिलीज से पहले ही 56 फाड़ कमाई कर ली है। जवान और पठान के बाद अब शाहरुख खान के फैंस डंकी का सिनेमा घरों में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किंग खान की मूवी बॉक्स ऑफिस पर इस क्रिसमस के मौके पर प्रभास की एक्शन ड्रामा फिल्म सलार से टक्कर लेने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कौन सी फिल्म मोटी कमाई करेगी ये तो पहले दिन कमाई से साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में शाहरुख खान की डंकी ने प्रभास की फिल्म सलार को पीछे छोड़ दिया है। Psychonalic.com रिपोर्ट के मुताबिक डंकी ने देश भर में अपने टिकट बिक्री से अब तक 10.26 का रिलीज से 2 दिन पहले ही कलेक्शन कर लिया है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का क्रेज फैंस में अंदर कितना ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप फिल्म के टिकट बिक्री से लगा सकते हैं। डंकी की अब तक इंडिया में 3,60,564 से ज्यादा टिकट की बिक्री हो चुकी है और फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में टोटल 12,607 के करीब शोज मिले हैं। वैसे डंकी को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्शाएं।